हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक्सेल में कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट के ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये होम टैब में क्लिपबोर्ड का ग्रुप दिया गया है जिसमें हमारे पास कट कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा डेटा लिया है, उस डेटा में मैं किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करती हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसे कट कर देती हूँ। कट पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ से ये डेटा सेलेक्ट हो गया है, कट होने के लिए रेडी है। और मैं जहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब कि यहाँ से ये डेटा उठा करके मैं कहीं और मूव करना चाहती हूँ, तो मैं जहाँ क्लिक करूँगी वहाँ पर ये मूव हो जाएगा। मैंने सिलेक्शन ले लिया है कि मुझे इस सेल में ये डेटा चाहिए, यहाँ से कंटेंट चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर मेरा कर्सर है और मैं पेस्ट पर क्लिक करती हूँ, तो वहाँ से जो डेटा लिखा हुआ था, यहाँ पर टाइप हुआ था, वो कंटेंट वहाँ से मूव होकर के यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, राइट। तो इस तरीके से मैं कट और पेस्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैं इसके बाद का जो ऑप्शन है सेम यहाँ पर लिखा गया इस सेल में, इसे मैं अगर कॉपी पेस्ट करती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके एंड कॉपी पर क्लिक करती हूँ, तो इसके बाद मैं इसे यहाँ लेके जाना चाहती हूँ तो मैं पेस्ट कर दूंगी इसे, वो डेटा यहाँ वाला यहाँ पर भी आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर लिखा गया था वो यहाँ पर भी रहेगा, इस सेल में भी, B2 में भी रहेगा, और यहाँ पर जहाँ H1 सेल में मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है यहाँ भी रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि कट और पेस्ट के ऑप्शन से एक ही कंटेंट एक सेल से मूव होकर के दूसरे सेल में चला जाएगा, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन से वो डेटा दोनों प्लेसेस पर रहेगा, दोनों सेल्स में रहेगा, यहाँ से कॉपी होकर के दूसरी लोकेशन पर भी सेम आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम फॉर्मेट प्रिंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।